इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट जून 2023 का क्वेश्चन पेपर हिंदी साहित्य। यह पेपर है, यह क्वेश्चन पेपर परीक्षा तिथि 17/6/2023, ओके 2023 17/6 जो जून में पेपर हुआ था, फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन पेपर है। इसमें किस तरीके से प्रश्न बने हैं आप लोग ये देख सकते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं जो यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनके लिए जो है ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, यदि आप नए हैं तो आपको बता दूं मैं यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए, और साथ ही यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट भी क्लासेस दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं स्मिता आप सभी का एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो भी नए विद्यार्थी हैं, यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या प्रश्न बना है। पहला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पे, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि मैं पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसमें पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है। चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे पात्र हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिणी और संगिनी। इनसे संबंधित चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये अनुस्वार और अनुनासिक जो है ये अधिकारी हैं इस नाटक में, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया पतंजलि का जो किसने उल्लेख किया है, तो वो डी ऑप्शन संगिनी ने किया है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल से देख लेते हैं कि मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित नाटक है। संगिनी मल्लिका से आंचलिक शब्द के बारे में बताती हुए कहती है कि जैसे ये जो संगिनी है वो मल्लिका से ये कहती है कि जैसे पतंजलि ने लिखा है न कि युद्धा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ये जो वाक्य है ये संगिनी जो है वो मल्लिका से कहती। मल्लिका कौन है? मल्लिका है जो कालिदास हैं राजकवि, उनकी प्रेमिका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल से देखते हैं चीज़ों को। ये प्रमुख पात्र हैं पुरुष पात्र और स्त्री पात्र। परीक्षा में पूछा जा सकता है कालिदास, दंतुल, मातुल, विलोम, निक्षेप, अनुस्वार, अनुनासिक। देखिए कालिदास राजकवि है, दंतुल राजपुरुष है, मातुल भी कवि है, विलोम ग्राम पुरुष है, निक्षेप ग्राम पुरुष है, अनुस्वार और अनुनासिक अधिकारी हैं। ये भी पूछा जा सकता है पैटर्न के हिसाब से। स्त्री पात्र कौन से हैं? अंबिका है, मल्लिका है, रंगिणी है, संगिनी है, प्रियम गुंजरी है। प्रियम गुंजरी कौन है? राजकन्या है और कवि की पत्नी है, मतलब कालिदास की पत्नी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, इस तरीके से ये मैच करना है, ठीक है। मैच करना है इसको कि इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे देखिए, देश का धन जो है, देश का धन राधा मोहन गोकुल इनकी रचना है। गुलामगिरी जो है ये है, गुलामगिरी ये है ज्योति राव गोविंद राव फूले। स्त्री पुरुष तुलना यह है ताराबाई सिंधे, और गीता रहस्य सभी को पता होगा बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं इसलिए यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ, आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ प्रश्न कैसे बन रहे हैं, और ये हाल का ही क्वेश्चन पेपर है तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है, अजी हजरत यह चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं, रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। ये है ईदगाह कहानी से, और ईदगाह कहानी में कौन सा पात्र ये कहता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संवाद जो है कौन सा पात्र कहता है, महमूद है, मोहसिन है, नूरे है और शम्मी है।
अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं इन्होंने अलग अलग खिलौने खरीदे थे, तो वो किसने कौन सा खिलौना खरीदा था, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो मोहसिन जो है, मोहसिन ये संवाद कहता है, अजी हजरत यह चोरी कराते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल से यदि आपको पढ़ना है तो आपको बुक उठानी पड़ेगी और तभी आपको जो है, हाँ जो है लाभ होगा, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर 4 है कथन। रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आसु फलदायिनी कहा है, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ए ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल शुक्ल जी का है, ओके। और उत्तरकांड में ही कलियुग का वर्णन किया गया है, ये भी पूछा गया है काफ़ी बार, ये आपको पता होना चाहिए। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने तुलसीदास जी को भारतवर्ष का लोकनायक कहा है, ठीक है, और समन्वयकर्ता भी कहा है। बुद्ध देव के बड़े बाद सबसे बड़ा लोकनायक जो है गृहस्थ ने कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि नावादास जी ने कहा है और जातीय कवि रामविलास शर्मा जी ने कहा है।